हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे। तो ओवरी में एग बनना बंद हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मीनोपॉज। पर ये मेल में मीनोपॉज नहीं होता है। ओके, व्हाई? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, पूरे जोश में होंगे और डटे होंगे अपनी प्रिपरेशन में। और हमेशा याद रखिए कि खुश होकर जो हम प्रिपरेशन करते हैं, पूरे दिल से डूब के जो पढ़ाई की जाती है, अंत में बहुत फ्रूटफुल होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको टाइम टू टाइम बताया था अपनी कम्युनिटी पोस्ट में कि कुछ इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स मेरे पास थे, कुछ असाइनमेंट्स थी जिनको पूरा करते करते वो थोड़ा सा डिले होते गए और काफ़ी टाइम लग गया। तो आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं और अब आपको रेगुलर वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मिलते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊँ जो अक्सर कन्फ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चे इसको कन्फ्यूज़ करते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं, फिर रट्टा भी लगाते हैं, पर रटी हुई चीज जो है वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में जाती है और वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होती है। और वो जब हमें बिल्कुल ठीक टाइम होता है, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल, तो टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो चीजों को कुछ इस तरह से करें, आओ स्टेप बाय स्टेप जोड़ें और इन टर्म्स को हमेशा के लिए क्लियर करें ताकि आपको बार बार उनको रिपीट ना करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। प्यारे बच्चों, जो आज हम करने जा रहे हैं वो है कुछ ऐसी टर्म्स छोटी छोटी जो अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं हमारे माइंड में। बार बार पढ़ने के बाद भी वो कन्फ्यूजन करती ही करती हैं। तो आज वो स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स हैं इस प्रोसेस में जो हम यहाँ पे करेंगे, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। आप खुद ही देखिए, जो मैंने ये आपको तीन चार टर्म्स बोली, लगभग वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और आप बोलोगे कि ये क्या बोल गए सर। ओके, तो यही आज आपकी कंफ्यूजन में दूर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा सा एक मैं आपको कहानी के रूप में यहां पे बताऊं कि जब भगवान हमें बना रहा था तो उसने क्या किया, हमारे बॉडी में सेल्स लगा दिए। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, हम सभी जानते हैं ये। अब ये जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में, जो एक सेल है, न्यूक्लियस है, उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 डिप्लॉयड नंबर इज द 46। ओके, अब बच्चों भगवान ने क्या किया कि वो सारे का सारा ह्यूमन बींग्स तो बना दिया, आदमी बना दिया, एक मेल बना दिया, एक फीमेल बना दिया। ओके, अब जब नेक्स्ट जनरेशन को चलाने की बारी आई तो वहां पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जब भगवान ने सोचा कि एक सेल मेल से ले लेते हैं, एक सेल फीमेल से, क्योंकि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट तो हमारा सेल ही है, बेसिक है ना, यही वो छोटी सी छोटी इकाई है, यही छोटे से छोटा वो यूनिट है जिसको कंबाइंड करके कुछ आगे जनरेट किया जा सकता है या अगली जनरेशन चलाई सकती थी, तो अगली जनरेशन चलाई जा सकती है। तो भगवान ने अब क्या किया कि एक सेल मेल का लिया, एक फीमेल का लिया, उनको कंबाइंड किया। अब जब उनको कंबाइंड किया तो ही वाज आल्सो सरप्राइज कि नंबर जो था वो डिप्लॉयड हो गया। कितना हो गया? 92। जब भगवान ने एक सेल यहां से लिया, एक सेल यहां से लिया, यानी कि मेल और फीमेल दोनों से, जब उसको कंबाइंड किया तो 46 एक से आए, 46 दूसरे से आए, तो नंबर कितना हो गया अब हमारा? 92। ओके, अगर हम किसी एक पेरेंट को देखें, जिस जनरेशन से हमने वो लिया था पेरेंट से, वहां तो क्रोमोसोम नंबर सेल्स में रहा था 46। अब आगे चल के वो क्या हो गया? उसका डबल हो गया, उसका 92 हो गया। अगर अब इस तरह से हर जनरेशन में, हर बर्थ जो ह्यूमंस में चाइल्ड बर्थ होगा, तो चिल्ड्रन जो होगा उसमें वो नंबर जो है वो डबल होता जाएगा। 46 का 92 हुआ, फिर इसी तरह से आगे होता जाएगा। तो फिर क्या बनेगा ह्यूमन रेस का, जो हमारी मनुष्य जाति है, तो वो कुछ और ही बन जाएगी। कोई इंग्लिश मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तो अब क्या है प्यारे बच्चों, वहां पे बड़े बड़े एप्स और मंकी टाइप्स होते हैं ना इंग्लिश मूवी में, उसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे लेबोरेटरी में साइंटिस्ट हैं वो किसी एक ह्यूमन बींग्स को लेते हैं और उसके सेल्स में डीएनए से छेड़खानी की जाती है वहां पे, और उसके नंबर को, उसकी प्लॉयडी लेवल को बदल दिया जाता है। और अब वो जो हीरो था इंग्लिश मूवी का, अब बहुत बड़ा एप बन गया और वो बिल्डिंगों से भी ऊंचा बहुत बड़ा बन गया वो। तो ये जो है, ये क्रोमोसोम नंबर के इंक्रीज होने की वजह से हुआ। तो अब खुद सोचिए कि इस स्पीड से हर जनरेशन में अगर नंबर इस तरह से बढ़ने लगा तो ह्यूमन रेस का होगा क्या? तो फिर भगवान ने सोचा कि यार इस नंबर को 46 के ऊपर ही स्टेबल करना पड़ेगा अब हमें। तो उन्होंने क्या किया कि एक
इंस्ट्रूमेंट लिया और वो ह्यूमन बॉडी में फिट कर दिया। अब आप बोलेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, अब इंस्ट्रूमेंट भी कुछ ऐसा हो जिसमें जो हमारे पूरी बॉडी में तो क्या है, डिप्लॉयड सेल हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें 46 नंबर है। कुछ ऐसी मशीन हमें मिल जाए या कुछ ऐसा यंत्र लगा के बॉडी में कि जिसमें 46 डाले और नीचे से कितने निकले, 23। तो अब इसको मैं इस तरह से कोरिलेट कर सकता हूं कि आपने अक्सर खेतों में जहां वीट और मेज मक्की गेहूं को काटते हैं, फिर उसके बाद उसकी थ्रेसिंग करते हैं, तो ऊपर से हम क्या डालते हैं, मान लो हम ऊपर से वीट डाल रहे हैं तो उसके जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, वो एक तरफ निकलते रहते हैं और दूसरी तरफ भूसा अलग होता रहता है। तो उसी तरह से अब हम जो है 2N डालेंगे और नीचे से N निकलते जाएंगे हम, और फिर उस N को मेल के N को यानी कि फादर के को N को मदर के N से हैप्लॉयड नंबर को फिर कंबाइन करेंगे तो फिर 46। तो इस तरह से प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। तो अब इस सारी प्रोसेस को हमने बोला गैमिटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस? गैमिटोजेनेसिस कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल। ये देखिए मैं आपको यहां पे बताऊं, गैमिटोजेनेसिस ओके, गैमिटोजेनेसिस जो है इट इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड सेल। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, ये आपका एक सेल है, चाहे आप फादर से लीजिए चाहे मदर से लीजिए, तो ये है हमारा डिप्लॉइड सेल। मैं सिंपल अभी बिल्कुल आपको सिंपल यहां पे बता रहा हूं। अब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ओके, डिप्लॉइड से हमने हैप्लॉइड सेल जो बनाना है, जो अभी मैंने आपको बोला कि कोई चीज हमें मिले, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जिसमें डिप्लॉइड सेल बॉडी के कन्वर्ट होके हमें हैप्लॉइड दें, ताकि फिर अगली नेक्स्ट जनरेशन में हमें 46 ही मिले। तो अब ये जो वही मशीन है प्यारे बच्चों, तो ये कौन से इंस्ट्रूमेंट फिट किया भगवान ने, ये किस में फिट किया, ये है गोनेड्स, और गोनेड मेल में अलग लगा दिया, कौन सा, टेस्टिस, और फीमेल में क्या लगा दिया, ओवरी। टेस्टिस और ओवरी, क्योंकि मेल में स्पर्म बनने हैं और फीमेल में एग बनना है, आगे चल के ये यहां पे क्या बनाएंगे, स्पर्म, और ये क्या बनाएगा, ओवा यानी कि एग। तो अब हमें ये देखिए यहां पे, अब हमें एक ऐसा सिस्टम मिल गया जिसमें डिप्लॉइड को डाल के हिप्लॉइड यहां पे इसको जनरेट किया जा सकता है। तो ये क्या है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स। अगर मैं इसको और टेक्निकल भाषा में बोलूं, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड गैमीट्स फ्रॉम द डिप्लॉइड अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स। मैं यहां पे एक टर्म यूज कर रहा हूं, जर्म सेल, इसको नोट कीजिए कि जर्म सेल मैंने यहां पे क्यों यूज किया, अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल, जर्म सेल्स, वो भी कौन से, अनडिफ्रेंशिएटेड मींस हमारी बॉडी में, अब देखिए ये हाथ है हमारा, ये हमारा फेस है, या बॉडी का कोई भी पार्ट है, वहां पे सेल्स लगे हुए हैं, वो तो सिंपल है, इसी तरह से हैं, पर अब इन सेल को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। मेल में ये चल के स्पर्म बनाएंगे जिसमें टेल लगी होगी, फीमेल में ये एग बनाएगा, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस, देखिए, इन विच देर इज ए जनरेशन, व्हाट इज जेनेसिस, इट इज द जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, कौन से गैमीट, हैप्लॉइड, ओके। अब यहां पे मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स में आपने बताया था कि जो साइंस है बहुत ही इजी है ये सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो बच्चों टर्म्स दी होती हैं उसको पहले आप तोड़िए फिर उसको जोड़िए। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में कहीं भी कुछ भी पता नहीं लग रहा है, फिर भी आप एक पैराग्राफ एक पेज लिख दोगे, जैसे कि यहां पे देखिए, जेनेसिस मतलब टू जनरेट और टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, गैमीट, तो दो टर्म से ये बनती है, ये कौन सी, गैमीट और जेनेसिस, मतलब जनरेट क्या हो रहा है, गैमीट्स हो रहे हैं किससे, हैप्लॉइड अनडिफ्रेंशिएटेड सेल से। तो एक चीज तो यहां पे क्लियर होगी कि व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस जो है मेल फीमेल में ये अलग हो जाती है, आगे चल के ये प्रोसेस, तो मेल में इसको बोल दिया हमने
स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में क्या बोला इसको, ओजेनेसिस। अब प्यारे बच्चों यहां पे देखिए, फिर वही बात आ गई, जेनेसिस मींस टू जनरेट, टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है हमें, क्या प्रोड्यूस करोगे आप यहां पे, स्पर्म्स। ये देखिए यहां पे, टू जनरेट स्पर्म, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और यहां पे जेनेसिस टू जनरेट क्या, ऊ, ऊ मतलब एग, ओवा। तो यहां पे हम क्या करेंगे अब, ऊ जेनेसिस। अब क्या हुआ कि जो गैमेटोजेनेसिस है, ये देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस। अब ये हो गई दो तरह की, क्या हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा आ गया ओजेनेसिस। अब हम आज जो हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें कुछ टर्म्स को क्लियर करना है, वो जो मैंने आपको बताई कौन सी, एक तो है हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा है हमारी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, दूसरी कौन सी है, दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरी है हमारे पास स्पर्मिएशन। अब देखिए, बताने के तो मैं आपको एक मिनट में यहां पे यही समझा दूंगा जो मैंने बोला तोड़ो और जोड़ो, पर थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में कर लेते हैं, ताकि आपको बेसिकली पता लगे कि एक्चुअली प्रोसेस कैसे है, और आप अगर बोर्ड के एग्जाम लिख रहे हैं वहां भी विद डायग्राम आप इसको एक्सप्लेन कर सको, अगर आप नीट के एग्जाम में बैठे हैं तो फिर वहां भी आप कंसेप्ट बिल्डिंग उस टाइम एग्जामिनेशन हॉल में कर सको, और कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा है तो यू मे बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अब इन टर्म्स को समझने के लिए हम स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर घुसते हैं और देखते हैं वहां पे कि पहले हम एक स्टेप में जाएंगे, फिर दूसरे में जाएंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि अक्सर ये है क्या, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो चलिए देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, अब स्पर्मेटोजेनेसिस अगर प्रोसेस को आपको समझना है तो सबसे पहले हम इसको फोर फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, फोर फेजेस में। जो सबसे पहले फेज है उसको बोल दिया हमने मल्टीप्लिकेटिव फेज। अब बच्चों ये जो मैं आपको करवा रहा हूं, ये आपके बोर्ड और नीट और हायर एजुकेशन में बीएससी एमएससी तक आपके काम आएगा। मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद आएगा ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। उसके बाद मैच्योरेशन फेज, एंड जो लास्ट में है उसका नाम ही स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस फेज है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द कन्वर्शन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनिया इनटू द स्पर्म सेल्स, या आप सीधा बोल दो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्म जेनेसिस, मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। किससे, मैंने क्या बोला, अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बीमारी है इसको हम देखेंगे, कुछ भी नहीं है, ये एक जर्म सेल है, जो मैं अब आपको विद डायग्राम यहां पे करवाऊंगा, कंफ्यूजन ना करिए, बिल्कुल जैसे जैसे मैं बता रहा हूं उसको वैसे सुनते जाइए, समझते जाइए, और लिखना है तो लिख भी लीजिए ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे एक टर्म आ रही है स्पर्मेटोगोनिया, मैंने क्या बोला अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने हमारे पास, डिफरेंशिएटेड स्पर्म्स। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, यहां पे देखिए अगर ये सिंगुलर है, अगर ये सिंगुलर है तब तो आप लिखोगे स्पर्मेटोगोनियम, अगर ये प्लूरल है, बहुत सारे हैं स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया, तो आप स्पर्मेटोगोनिया, सिंगुलर होगा एक होगा तो स्पर्मेटोगोनियम, और बहुत सारे होंगे तो स्पर्मेटोगोनिया। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये स्पर्मेटोगोनिया है क्या और ये कहां पे प्रेजेंट है, अब आपको वो मैं बताता हूं। यहां पे आपको पता है टेस्टिस का,
अब जो हमने बोला कि मेल में क्या है, मेल में है वही प्रेजेंट टेस्टिस, ओके, मेल में प्रेजेंट है टेस्टिस। और इस टेस्टिस में इस तरह से, ये देखो प्यारे बच्चों, इस तरह से अंदर चैम्बर से बने हुए हैं, ओके, ये देखिए। अब देखते जाइए आप, यहां पे आपको एक एक चीज जो है यहां पे किस तरह से क्लियर होगी। इसके अंदर, इसके अंदर ये देखिए यहां पे, ये इस तरह से, ये ओके, और ये इस तरह से यहां पे सेमनी फेरस ट्यूब्स, ये जो रेड कलर की मैंने यहां पे बनाई, दैट इज ए सेमनी फेरस ट्यूब्स, ओके। अब ये सारी की सारी यहां पे, यहां इससे भी आएगा, फिर इससे आएगा सेमनी फेरस ट्यूब्स, और सारे के सारे जो स्पर्म्स हैं बाद में इसमें यहां पे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जो है, देर इज ए टेम्परेरी स्टोरेज इन द एपिडिडिमस, देर इज अ टेम्परेरी स्टोरेज इन द एपिडिडिमस। अब मैं आपको जो हमारा टॉपिक है, जो हमें टर्म्स क्लियर करनी है, यहां पे सेल्स होते हैं भाई, यहां पे क्या होते हैं, ये सेल्स हैं। और इन सेल्स को क्या बोला, इनको बोला हमने, ये क्या है रेड कलर वाले, ये क्या है यहां पे, ये हैं आपके सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स। अब इसको हमने इतने से पोर्शन को कट किया और फिर इसको हाईलाइट किया, तो कुछ इस तरह से हमें ये सेल्स, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके यहां पे बताऊं क्या सिचुएशन है, इस तरह से यहां पे सेल्स होंगे। अब यहां इसके बीच में कुछ सेल जो है वो लंबे भी होंगे इस तरह से, ओके। तो अब ये जो सेल्स हैं, इनको बोला हमने जर्म सेल्स, ये जो है ये जर्म सेल है, और ये क्या है, ये है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। अगर हम टीएस ऑफ द टेस्टिस काटे, अगर हम इसको फिर से थोड़ा सा और जूम करके यहां पे देखें, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, अगर मैं इसको राउंडेड इसमें लूं पूरे सर्कल में, तो ये हमारे जर्म सेल्स आ गए, और बीच में ये लंबे लंबे क्या आ गए, सर्टोली सेल्स। ये देखिए यहां पे, ये इस तरह से आप, ये तो आ गए हमारे जो लंबे वाले हैं सर्टोली सेल्स, और ये बाकी जो आए वो हैं हमारे जर्म सेल्स। और ये सारे का सारा जो एपिथीलियम है, ये जो लेयर है, चाहे यहां पे है, ये हमने जूम करके देखा, इसको बोलते हैं हम जर्मिनल एपिथीलियम। जब हम एनिमल टिश्यू में पढ़ते हैं, तो वहां पे जर्मिनल एपिथीलियम भी एक टाइप आती है। तो यहां से एक और चीज क्लियर होती है कि अवेयर जर्मिनल एपिथीलियम इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेल में यहां पे दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो अंदर की साइड है। अब ये देखिए, यहां पे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसको मैं ऐसे बताऊं, ये देखिए यहां पे, ये इस तरह से होते हैं यहां पे, इस तरह से, ये ठीक है। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के हैं, ये इसके इस तरह से रहते हैं यहां पे, और फिर यहां से वो स्पर्म सक्रिएट होके यहां से यहां चले जाते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस में देर आर फोर फेजेस, मल्टीप्लिकेटिव फेज जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगी, ग्रोथ फेज, फिर वो ग्रो करेंगे, मैच्योरेशन फेज एंड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस अनडिफरेंशिएटेड स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब स्पर्मेटोगोनिया है कहां पे, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो टेस्टिस में प्रेजेंट है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उसके जो इनर साइड को एक लेयर है सेल्स की, उसको हमने बोला जर्मिनल एपिथीलियम। और दैट जर्मिनल एपिथीलियम लेयर, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ फ्रॉम जर्म सेल्स एंड आल्सो देयर आर प्रेजेंट सम सर्टोली सेल्स। अब इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, जो हम अभी कुछ देर में देखेंगे। तो अब तक हमें इतना पिक्चर इसके बारे में क्लियर हुई।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम में, उसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव और ये जितनी भी दूसरी चार फेजेज हैं इसके। तो प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से वो फोर फेजेज चलती हैं। तो जो हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा, तो हमारे पास इस तरह से सेमिनिफेरस ट्यूब्स में ये जर्म सेल्स थे, और बीच में इस तरह के सेल्स थे लंबे वाले, इनको हमने क्या बोला, सर्टोली सेल्स। तो ये हो गए जर्म सेल्स और ये होगा आपका सर्टोली सेल। अब यहां पे मैं थोड़ा सा आपको सर्टोली सेल्स के फंक्शंस के बारे में बता दूं कि जो सर्टोली सेल है इसका मेन काम है जो स्पर्म यहां से जर्म सेल से आगे फोर फेजेस में बनेंगे उसको नरिशमेंट देना, उसको न्यूट्रिशन देना, उसको भोजन देना, खाने के लिए देना। अब सर्टोली सेल का काम यही नहीं है, ये एंड्रोजेनिक बाइंडिंग प्रोटीन भी सक्रीट करता है। इसका एक काम है क्या, एंड्रोजेनिक बाइंडिंग प्रोटीन को सक्रीट करना। अब ये जब यहां पे सक्रीट होगी सर्टोली सेल से, देन इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने में हेल्प करती है, पॉजिटिव वे में हेल्प करती है। और जो दूसरा ये सक्रीट करती है प्रोटीन वो है इनहिविन। इनहिविन प्रोटीन, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इट इनहिविट, इनहिविट यानी कि इनहिबिशन का काम करती है, ये रोकने का काम करती है। जो FSH हार्मोन्स है उसको रेगुलेट करती है, उसको कंट्रोल करती है, ताकि आगे अगर उस प्रोसेस को कंट्रोल करना हो, उसकी स्पीड अप करना हो, स्पीड डाउन करना हो, तो वो इनहिबिन प्रोटीन रोल प्ले करती है। तो सर्टोली सेल्स के तीन फंक्शंस हैं। पहला फंक्शंस है एक तो नरिशमेंट देना, जो जो मेजर काम है जिस जो मोस्टली हम पढ़ते हैं, पर साथ में इट आल्सो सक्रीट एंड्रोजेनिक बाइंडिंग प्रोटीन्स विच हेल्प इन द स्पर्मेटोजेनेसिस। इनहिबिन प्रोटीन रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब चलते हैं हम फोर स्टेजेस की तरफ। ये जो हमारे सेल्स हैं जर्म सेल, तो ये हमने यहां पे ये ले लिया प्यारे बच्चों, ये ले लिया हमने जर्म सेल, अनडिफरेंशिएटेड सेल। यहां से इसको एक सेल को यहां से उठाया हमने और इसको हमने बोला स्पर्मेटोगोनिया। अब ये जो यहां पे सेल्स है, जो मैंने बोला मल्टीप्लिकेटिव फेज चलेगी यहां पे, तो इसमें क्या होगा, इट विल डिवाइड इनटू टू, इट विल डिवाइड इनटू टू। ओके, अब ये फिर से आगे डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव है, ये भी यहां पे डिवाइड हो गए, ये भी यहां पे डिवाइड हो गए, क्योंकि डिवीजन अगर सेल्स में होता जाए तो क्या होगा, उसका साइज थोड़ा कम होगा। जब भी बनाओ तो ये बड़ा बनाओ और आगे को ये छोटे होते जाएंगे। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये होता है वो है माइटोसिस। माइटोसिस, अब माइटोसिस में हमारे पास ये सेल्स मिले। अब यहां पे माइटोसिस में यहां पे दो तरह के स्पर्मेटोगोनिया बने, एक बना टाइप ए और एक बन गया टाइप बी। टाइप ए जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये सेल्स फिर से डिवीजन रीडिवीजन का काम करते हैं और फिर से ये स्पर्मेटोगोनिया आगे बनाते रहते हैं। तो अब ये जो है, ये फिर से टाइप ए जो है, दिस अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस द स्पर्मेटोगोनिया एंड इट इज इन्वॉल्व्ड इन द डिवीजन एंड रीडिवीजन ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। बोलने का मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ सेल जो है वो बार बार डिवीजन रीडिवीजन का काम करती है, क्योंकि अब और कुछ सेल जो हैं, यहां पे मैंने आपको ये बाउंड्री लगा दी, मान लो ये सारे बी सेल्स हैं, ये ए सेल्स था, तो अब ये जो बी सेल है दैट विल एंटर इनटू द ग्रोथ फेज। यहां पे क्या है, ये यहां से यहां तक आया आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। ओके, टाइप बी के जो स्पर्मेटोगोनिया है दैट विल एंटर इनटू द ग्रोथ फेज एंड इट इंक्रीज इट्स साइज। इसमें न्यूट्रिशन मटेरियल इकट्ठा होता है और ये अपने साइज को इंक्रीज कर लेता है। अब प्यारे बच्चों, ये हमारे पास यहां पे
स्पर्मेटोगोनिया ही बने, एक से बहुत सारे थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। पर जो इनका नंबर है, यहां भी ये 2n है, यहां भी ये 2n है, और यहां पे जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, बोलने का मतलब कि ये एक स्पर्मेटोगोनिया था और यहां से बहुत सारे इसने आगे फिर माइटोटिक डिवीजन से और बनाए टू इंक्रीज द नंबर। उसमें से कुछ जो थे वो टाइप ए के थे, जिन्होंने फिर से स्पर्मेटोगोनिया की जो मल्टीप्लिकेटिव फेज थी उसी में एंटर किया और उसने ग्रोथ फेज में एंटर नहीं किया। पर टाइप बी जो है स्पर्मेटोगोनिया, वो जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर कर जाते हैं, ग्रोथ फेज। इसके बाद ये नीचे को ग्रोथ फेज चली। अब यहां पे इसका नाम रखा हमने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहां पे जो हमारी जो दूसरी टर्म थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या टर्म थी? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, वो क्लियर होती है यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस। नाउ व्हाट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस? जेनेसिस टू जनरेट क्या? स्पर्म। साइटो मतलब जो इसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट, नरिशमेंट बढ़ा, तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या हुई? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा यहां पे टाइप ए जो है वो ग्रोथ फेज में एंटर नहीं करता है, वो फिर से मल्टीप्लिकेटिव फेज में एंटर करता है और फिर से यहां पे डिवीजन रीडिवीजन करके स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे बनाएगा। अब एक क्वेश्चन यहां पे आता है कि फीमेल में मेनोपॉज होता है ना, व्हाट इज अ मेनोपॉज? एक लगभग 45-50 या समटाइम 55 जब फीमेल की एज हो जाती है तो दे विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग। ओके, तो ओवरी में एग बनना बंद हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेनोपॉज। पर ये मेल में मेनोपॉज नहीं होता है। ओके, व्हाई? यहां से हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर मिलता है, क्योंकि जब हम ओजेनेसिस देखेंगे वहां पे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि यहां पे आपके पास ओगोनिया बने और एक ओगोनिया फिर से मल्टीप्लिकेटिव फेज में एंटर करे और डिवाइड और रीडिवाइड करे। मेल के केस में क्या है कि जो स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास आए डिप्लॉयड नंबर, तो उसमें दो तरह के होंगे, एक को हमने टाइप ए बोला, एक को टाइप बी बोला। टाइप ए जो है दैट विल नॉट एंटर इनटू द ग्रोथ फेज, व्हाट इट एंटर इनटू द मल्टीप्लिकेटिव फेज अगेन। ओके, और जो टाइप बी के हैं वो ग्रोथ फेज में एंटर करेंगे। अब यहां पे क्या हुआ ग्रोथ फेज में कि जो स्पर्मेटोगोनिया है उसका साइज बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने न्यूट्रिशनल मटेरियल इसमें इकट्ठा कर लिया, आगे इसको डिवाइड होना है, मियोसिस करनी है। तो द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें उसने अपने साइज में इंक्रीज कर लिया, तो उसको हमने बोल दिया स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये हमारी अगली टर्म क्लियर हो गई। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से देखिए, एक रफ आइडिया मैं आपको बताऊं, जेनेसिस मतलब जनरेट होना, किसका? स्पर्म ही हम यहां पे बनेंगे। साइटो मींस जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इसमें इंक्रीज हुआ, यहां छोटे हैं यहां बड़े हैं, ग्रोथ हुई। तो जो प्रोसेस चली है स्पर्मेटोजेनेसिस की, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो जो उसमें साइटोप्लाज्म, एक नई टर्म आई साइटो, तो इसमें क्या हुआ, यहां पे साइटोप्लाज्म कंटेंट इंक्रीज हुआ तो ग्रोथ हुई, इसकी साइज में बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों कि इट विल डिवाइड इनटू टू, एक ये बना दो और एक ये बना दो, ये होता है मियोसिस वन। ठीक है, आगे चल के फिर ये अगेन डिवाइड होंगे दो में, इसको रेड कलर से बना लेते हैं, ये देखिए यहां पे, और सिमिलरली यहां पे भी ये टू में डिवाइड हो गए, यहां पे ये हुआ मियोसिस टू। ऊपर क्या था? माइटोसिस था, जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहा 2n से n, तो यहां तक क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम है 2n, पर यहां पे जो हुआ मियोसिस वन में रिडक्शन डिवीजन हुआ और इनका नंबर हो गया आधा, हाफ। तो इसको हमने नाम दे दिया यहां पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स।
जो हमारे पास बड़ा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, ओके, अब वो क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गया। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस वन चली यहां पे और क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, तो हमने इसका नाम रख दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फिर आगे मियोसिस टू चलेगी तो इसको हमने यहां पे बोल दिया स्पर्मेटिड। ये भी हमारे पास एन नंबर आया। अब आगे जो प्रोसेस है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखिए स्पर्मेटिड से अब क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पर्म्स में। इसको बुक में लिखा होगा स्पर्मेटोजोआ और इसको आप स्पर्म भी बोल सकते हैं, स्पर्म, ओके। ये भी क्या है, एन। तो द प्रोसेस बाय विच अ राउंड नॉन मोटाइल हैप्लोइड स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू द या ट्रांसफॉर्म इनटू द मोटाइल फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ, इट इज कॉल्ड एज अ स्पर्मियोजेनेसिस। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो हमारे पास स्पर्म्स आए, इस ये सीधा अब 75 स्टेब्यूल्स। अब आप फटाफट फिर से मैं आपको यहां पे बता दूं कि ये हमारा मान लो ये टेस्टिस था, ओके, और इसमें इस तरह से 75 टिब्यूल्स थे। ये रफ डायग्राम आपको जस्ट बता रहा हूं। और यहां पे देखिए ये एपिडिडिमस जिसमें इसने टेम्परेरी स्टोर किए स्पर्म, और ये बाहर को। अब क्या हुआ कि यहां पे जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्म सेल्स हैं, और यहां पे सर्टोली सेल्स भी हैं। ये देखिए यहां पे दीज आर द सर्टोली सेल्स, दीज आर द जर्म सेल्स। अब ये जो सेल्स हैं, ये जो स्पर्मेटोजोआ बने यहां पे, ये क्या करते हैं, ये सर्टोली सेल्स में, ये सर्टोली सेल्स इस तरह से मान लो ये सर्टोली सेल्स हैं, ओके, और ये जो यहां पे स्पर्म्स बने ये इस तरह से इसके बीच अमेंड हो जाते हैं, यानी कि ये इसके अंदर धंस जाते हैं टेम्परेरली, ताकि ये यहां से नरिशमेंट लें और इसमें मेच्योरिटी आए और ये पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि अब इसको इसके बाद यहां से सक्रीट होके कहां को जाना है, जहां पे हमने वो किया था ना स्पर्म का किस तरह से वो रिलीज हुए थे, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे। तो यहां से जब ये रिलीज हुए थे इस तरह से, तो ये एपिडिडिमस से होते हुए टेस्टिस से फिर इनको बाहर जाना है। स्पर्मिएशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ इन द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, उसमें रिलीज हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये पूरी की पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है। हमने जो टर्म्स यूज की हैं इसमें वो हैं गैमेटोजेनेसिस, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं फटाफट, एक थी गैमेटोजेनेसिस, एक थी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, एक थी हमारी जो हमें कंफ्यूज करती थी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, एक थी हमारी स्पर्मियोजेनेसिस, और जो नेक्स्ट थी वो थी स्पर्मिएशन। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको बताऊं कि जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेटोजेनेसिस डिप्लॉइड सेल से बॉडी में हैप्लॉइड सेल जो बनते हैं, गमेट बनते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, टू जनरेट गैमेटोजेनेसिस। यहां पे देखिए आप, हमारे पास टर्म आई गैमेटोजेनेसिस, हमारे पास टर्म आई स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारे पास टर्म आई स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, हमारे पास टर्म आई स्पर्मियोजेनेसिस, हमारे पास टर्म आई स्पर्मिएशन। एक बार फटाफट अब आपको फिर से मैं इसकी रिकैप्चुलेशन करवा देता हूं। ये वो टर्म हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं, और ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ये आती हैं हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस में। आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस देख रहे हैं, ओके, और उसमें जो टर्म्स आएंगी उनको हमने देखा। तो फिर से मैं आपको बता दूं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मींस जनरेशन ऑफ द गैमेट। यहां से देखिए, जनरेशन ऑफ द गैमेट, हैप्लोइड गैमेट। अब ये देखिए, ये सारी की सारी प्रोसेस, इसमें हैप्लोइड गैमेट यानी कि स्पर्म बना,
डिप्लॉयड से। पर ये जो गैमेटोजेनेसिस है ये दो तरह की होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो सकती है, अगर मेल में चले, फीमेल में इसको ऊजेनेसिस बोल दिया। मेल में जो चली उसको बोला स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसी गैमेटोजेनेसिस जो ह्यूमन मेल में चली उसको हमने बोला स्पर्मेटोजेनेसिस। बस इसमें ये दोनों में यही डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ वही चीज हम यहां पे बोलेंगे कि जो डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया है अनडिफ्रेंशिएटेड है, देखिए ये गोल है और ये जो है डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, इसकी टेल हेड पूरा लग चुका है यहां पे, तो जनरेशन और प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफ्रेंशिएटेड स्पर्म्स फ्रॉम द अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स। नेक्स्ट इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब इसमें क्या फर्क है कि जब हम यहां पे मल्टीप्लिकेटिव फेज में स्पर्मेटोगोनिया हुए, इस मल्टीप्लिकेटिव फेज का मतलब सिर्फ टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस में स्पर्म एक सिंगल इजैकुलेशन में रिलीज होते हैं, तो नंबर इंक्रीज हुआ। अब यहां पे जो ग्रोथ फेज में टाइप बी एंटर किए तो उनका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो यहां पे बढ़ गया, एंड इट इज एज सिंपल एज इट इज लुकिंग हियर कि साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो इनके सेल्स में इंक्रीज हो गया, तो नाम बन गया इसका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और नाम दे दिए इनको स्पर्मेटोसाइट्स। जो नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस अब यहां पे देखिए आप, स्पर्म आया यहां पे, ये टर्म आया ना यहां पे स्पर्म, स्पर्म को क्या हुआ जनरेट हुए यहां पे, तो ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, ये राउंड है, गोल है, नॉन मोटाइल है और हैप्लॉइड है। तो कन्वर्सन और द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द राउंड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स इनटू द फंक्शनल स्पर्म, ठीक है, और ये मोटाइल है, इस प्रोसेस को हमने बोला स्पर्मियोजेनेसिस कि यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म का जन्म हुआ, स्पर्म जो है जनरेट हुए। ओके, अब ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस तो हो गई और बहुत इजी है। स्पर्मेटोजेनेसिस, यहां साइटो है तो कंटेंट इंक्रीज हुआ, ये यहां पे स्पर्मियोजेनेसिस मतलब इनका जन्म हुआ, ये जनरेट हुए, प्रोड्यूस हुए, जो भी आपको सही लगे याद रखने के लिए वो आप बोलिए। और फिर ये एज सच तो यहां से रिलीज नहीं होंगे क्योंकि ये ताजा ताजा इनका जन्म हुआ है, ये बने हैं यहां पे, तो वही ये कमजोर होंगे अभी, है ना, ये मैच्योर नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब सर्टोली सेल्स हैं उसके अंदर जाके ये धंस जाते हैं, जैसे पानी में हम, जैसे कभी आप स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा या आप खुद कहीं कुएं में, गांव में जब बच्चे छलांग मारते हैं, तैराकी करते हैं, या आप शहरों में हैं तो वहां स्विमिंग पूल होगा, तो आप इस तरह से डाइव करते हैं, सिर सीधा पानी में अंदर को और पैर ऊपर के, तो इस तरह से जब आप जाते हैं तो उसी तरह से ये स्पर्म जो हैं ये सर्टोली सेल्स में अपना सिर इस तरह से ये गाड़ देते हैं यहाँ पे उल्टा, ठीक है। अब यहां से न्यूट्रिशन लेंगे, ताकत लेंगे, मैच्योर होंगे ताकि अगली जर्नी को ये जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक है उसको पूरा कर सकें, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ये, टेम्परेचर सेंसिटिव हैं, ओके, एसिड सेंसिटिव हैं, तो ये इस जर्नी को पूरा कर सकें। तो अब यहां से इन्होंने न्यूट्रिशन लिया, अब क्या हुआ कि जब ये फुली मैच्योर हो गए तो ये रिलीज हो जाएंगे फिर कहां, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में, ये ट्यूब्यूल है, अब यहां से जो सेल्स इनको छोड़ देगा फिर ये, और यहां से ट्रैवल करते हुए एपिडिडिमस से, वासा डिफरेंसिया, अफरेंसिया, पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंच जाएंगे। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड एज स्पर्मिएशन, इनिशिएशन। अब इन्होंने आगे की प्रोसेस इनिशिएट कर दी है जर्नी की, तो होप प्यारे बच्चों ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये आपको पूरी की पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी। ये आप डिटेल में जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं बोर्ड के एग्जाम में उसमें भी काम आएगी और ये आपके नीट में भी काम आएगी। तो इसी तरह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे उन बच्चों के पास भी पहुँच सके जो बेचारे फीस नहीं दे पाते बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स की, तो यहाँ पे उनके कंसेप्ट भी क्लियर हों। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और डटे रहें अपने एम्स में, मकसद के लिए। तो जय हिंद, जय भारत।